उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे, अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। क्या है, कैसे है आप सब? आप सब मेरे को कमेंट्स नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, कई को ऐसा ज़्यादा कमेंट्स करते रहे तो मेरे को खुशी होती है। अरे मेरे को सब जने याद कर रहे हैं, मेरे को वीडियोज़ डालना ज़रूरी है, बल्कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आऊँगी। मैं बोल के रहता, कोई कमेंट करके मेरे को बोल रहे नहीं कैसी वीडियो दिख रही है, कुछ भी आप नहीं आ रहे, वीडियो नहीं डाल रहे बोल के। चलिए अगर आप कमेंट करते रहे तो मेरे को खुशी होंगी, मेरे चैनल को बहुत अच्छा दिखेगा रिस्पांस दिए तो। चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैं चिकन ले ली, ये चिकन अपन आज बनाएंगे माशाल्लाह से। चिकन पाकिस्तानी चिकन मसाले की रेसिपी लेके आई हूँ, इसीलिए मैं चिकन ले लिए। तकरीबन 1.5 किलो चिकन है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर ली मैं, देख सकते हैं वो ज़रा भी वो नहीं है। नमक और थोड़ा सा का सिरका डाल के अच्छी तरह से वॉश करके इसका पूरा पानी निथार के रख ली मैं अच्छी तरह से। मिर्ची है, नमक है, 2 चमचे मिर्ची का पाउडर है, 1.5 चमचा नमक का पाउडर है, काली मिर्ची का पाउडर है, 1/2 चमचा गरम मसाले का पाउडर है, 1 चमचा और ये काजू है, तकरीबन 1/2 कप काजू है और किशमिश है, दोनों मिक्स है। देखिए ये पाकिस्तानी ये चिकन में बहुत अच्छा मसाला बन के रेडी होता है। और प्याज है, प्याज को अपन तल लेंगे। दही है 1 कप और 1 कप ऑयल है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करेंगे आप। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मैसेज करिए, मैसेज यूट्यूब पे मैसेज करके पूछ सकते हैं आप, या वीडियो रिप्लाई करके भी देख सकते हैं आप। चलिए सबसे पहले चिकन को अपन मिर्ची और नमक दोनों मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून मिर्ची है ये, 1/2 टीस्पून नमक, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। सभी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। चलिए सबसे पहले एक फ्राई पैन रख ली मैं, इसमें अपन चिकन को मैरिनेशन करके अपने तकरीबन 1/2 से 1 घंटा हो चुका है। अपन थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे इसमें, ज़्यादा तेल नहीं डालना, थोड़ा सा का तेल डाल के अपन चिकन को पहले अच्छी तरह से गोल्डन कलर कर लेंगे चिकन का। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत अच्छी बन के रेडी होती है, घर में ज़रूर ट्राई करिए आप ये रेसिपी को। थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे इसका, ज़्यादा नहीं करेंगे। एक तरह से बैठा लेंगे इसको, चिकन इसलिए अपन तल लेना ताकि पूरा मसाला अच्छी तरह से अंदर तक चले गए जैसा, और दूसरा चिकन फ्राई करके डालने का टेस्ट ही अलग आता, सोंधापन अलग आता है इसका, वैसा बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और जल्दी जल्दी जाता ही, ऐसा तल के डालने से कच्चापना नहीं रहता चिकन का ज़रा भी। चलिए इसे प्लेट में निकाल लेंगे अपन, एक अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया ये, पूरा एक एक करके ऐसा निकाल लेंगे। तेल अच्छा निकाल लेना, तेल ज़रा भी नहीं रहना इसमें। सबसे पहले एक भगोना रख ली मैं, चिकन अपना अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है चिकन, ये भगोना रख ली मैं, इसमें तेल ऐड कर देंगे अपन। तकरीबन ये 1/2 कप तेल है ये, आप अपने हिसाब से डालिए, ज़्यादा तेल नहीं लगता चिकन के सालन को, कभी भी याद रखिए आप। सबसे पहले तेज़पत्ता ऐड कर में 3 से 4, इलायची के 2 से 3 टुकड़े डालेंगे इलायची के, दालचीनी के सॉरी, इलायची के 4 से 5 डालेंगे साबित, अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन इसमें प्याज ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई प्याज है ये, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे इसका प्याज का, थोड़ा गोल्डन कलर होना प्याज का अच्छा। प्याज अपनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, प्याज का कलर एकदम एक जैसा आ गया पूरा गोल्डन ब्राउन। चलिए प्याज का कलर अच्छा आ गया गोल्डन ब्राउन, इसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये चिकन का सालन हन दो या मटन का सालन हन दो, जरा अदरक लहसुन अच्छा ही डालना तो अच्छी खुशबू आती है अदरक लहसुन से,
अच्छा टेस्टी बनता चिकन अपना या मटन अपना जो भी है। चलिए अदरक लहसुन को थोड़ा सर का भून लेंगे अपन। उसके बाद अपन 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे तरह से। ये सालन आप कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ अपना कश्मीरी चिकन मसाला है। ये कश्मीरी चिकन मसाला ज़बरदस्त बन के रेडी होता है ये। चलिए अब हम टमाटो प्यूरी अपन बना के रख लिए थे, तकरीबन 5 से 6 टमाटे थे अपने पास, बना के रख लिए थे। टमाटो प्यूरी है ये। चलिए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटो प्यूरी है अपनी, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन, सभी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, पूरा सूखा भून लेंगे इसको। बिल्कुल नया चिकन लेके ही हमें, नई रेसिपी है, एकदम न्यू, ज़रूर ट्राई करिए। ये रेसिपी बहुत अच्छी बन के रेडी होती है। आज तक आप क्या है ये चिकन 65 ये वो खा के आप बेजार हो गए, तो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। ये रेसिपी बहुत अच्छी बन के रेडी होती है, अपनी रेसिपी है। चलिए अपने टमाटे अच्छी तरह से भुने गए, मीडियम आंच कर देंगे अपन। तेल भी अच्छा साइड में से आ गया। तकरीबन ये 4 टीस्पून अपन दही के डाल देंगे। दही है ये, दही को अच्छी तरह से मैं फेंट के रखी थी। दही तकरीबन 4 टीस्पून दही डालेंगे इसमें। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही कभी भी याद रखिए आप डालते वक्त तेज़ आंच पे नहीं डालना दही, नहीं तो फट जाता अपना दही। मीडियम आंच करके डालना दही। अच्छी तरह से भून लेंगे अब इसको। चलिए अब बाकी के मसाले ऐड करेंगे इसमें। ये कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है ये, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर है ये। चलिए अच्छी तरह से भून लेंगे इसको। देखिए साइडों से पूरा अच्छा तेल आ गया इसमें। अब अपन ये काजू और किशमिश जो है इसका पेस्ट बना लेंगे। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से पेस्ट बना ली मैं इसका, काजू और किशमिश का साइड में रख लेंगे। चलिए अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे एक बार फिर से, ताकि पूरे मसाले अच्छी तरह से अपने भुने गए जैसा, और बोझरी भी नहीं आना इसमें। बहुत अच्छी तरह से भुनना है इसको। चलिए मसाला, ये अपन काजू और किशमिश का पेस्ट जो पीस के रखे थे वो ऐड कर देंगे इसमें, पूरा ऐड कर देंगे। चलिए अच्छी तरह से भून लेंगे इसको एक बार फिर से। चलिए नेक्स्ट अपन पूरा चिकन डाल देंगे। चिकन अपन फ्राई करके रखे थे इसको अच्छी तरह से। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कितना पानी है ये। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम आंच पे ढक्कन ढाप के 5 से 10 मिनट्स तक रख देंगे अपन, ताकि चिकन अपना अच्छी तरह से अंदर तक पके जैसा। चलिए अच्छी तरह से अपना 5 से 10 मिनट्स हो गए, चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे इसमें।
वन कप दूध और मलाई है, ये वन कप है पूरा। ये से टेस्ट बहुत अच्छा था, अच्छा है तो दूध नहीं डाल के मलाई नहीं डाल के क्रीम भी डाल सकते आप। इतनी अच्छी ग्रेवी बन के रेडी होती है और बहुत टेस्टी, बहुत सौंधी बन के रेडी होती है इसकी ग्रेवी। हाफ टी स्पून काली मिर्ची का पाउडर है, ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कोथमीर ऐड कर देंगे इसको। चलिए दम पे रख देंगे इसको। अपन तल के चिकन डालने से देखिए कितना अच्छा जल्दी झटपट बन के रेडी हो गया अपना सालन। चलिए अब 5 से 10 मिनट्स तक इसको दम पे रखेंगे, इसका तेल भी अच्छी तरह से आगे जैसा। उसके बाद फिर नेक्स्ट बताऊँगा। सालन बन के रेडी हो गया माशाल्लाह, अच्छा तरह से तेरा भी आया देखिए। चलिए अब सर्व करके बताऊँगी मैं। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त अपना सालन बन के रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिए, बहुत अच्छा बना अपना कश्मीरी सालन है, मसाला सालन। देखिए ग्रेवी भी है इसमें, ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ माशाल्लाह से। चलिए ऊपर से थोड़ी सी अपन कसूरी मेथी डाली है, कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्ची है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त अपने कश्मीरी चिकन बन के रेडी हो गया। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। जब तक के अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। दुआ में याद रखिए, शबा खैर। Thank you.